से जो है आप सबसे पहले तो जानना चाहेंगे भूतपूर्व नाम जिस तरीके से है, किस तरीके का किरदार होगा, क्या है पहले तो बताइए। और भूतपूर्व एक बहुत प्यारी सी कहानी है भूत और पूर्वा के बारे में। पूर्वा एक लड़का है जिसकी फ्रेंडशिप एक भूत से हो जाती है, और ये भूत को एक लड़की से प्यार है जो जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है एंजेलिना यादव। उसमें छोटी शहर की लड़की है, बड़ी फायरी सी लड़की है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई उसे पंगा नहीं ले सकता, वो बड़ी सीरियस टाइप की लड़की है। लेकिन ये भूत उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे अच्छा मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी फिर कहानी ख़राब हो जाएगी, बट इतनी स्वीट और इंडियोरिंग कहानी है। इसे जब मुझे ये जब मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बिकॉज इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर विच आई डोंट थिंक आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। और हॉरर कॉमेडी आजकल चल रही है बहुत, तो यू नो वो जॉनर के लिए ये बहुत ही बहुत स्वीट कहानी है। भूत से प्यार, यू नो, सुनते ही कुछ अलग सा फील होता है। हाँ, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? जब मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं तो नहीं देख सकती भूत को, भूत को मुझसे प्यार है उसमें। बट आई डोंट वांट टू से मच अबाउट द स्टोरी बिकॉज आई एम जस्ट स्केयर्ड दैट आई विल स्पॉइल द मतलब कहानी में गड़बड़ हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए, क्योंकि बस 10 एपिसोड्स की कहानी है, तो आई थिंक इफ आई से मोर अबाउट इट, बट हाँ इतना है कि भूत को मेरे से प्यार है। चलिए ठीक है, स्पॉइलर ना देते हुए जी आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें अपने कैरेक्टर के बारे में। हाँ, तो एंजेलिना यादव करके एक लड़की है, अपनी मम्मी और बुआ जी के साथ घर पे रहती है। वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उसे प्यार की ज़रूरत है क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, और लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती, वो दिखाना चाहती कि वो बड़ी स्ट्रांग है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो थोड़ा सा फसाद बना के घूमती रहती है हर जगह, और फिर स्लोली स्लोली जैसे कहानी बढ़ती है पता लगता है कि एक्चुअली वो सबके जैसे ही है, यू नो, उसे भी प्यार की ज़रूरत है और बस वो दिखाती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं मैंने मतलब उसके अबव नहीं जा सकी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो जर्नी है कैरेक्टर का वो ये है, और फिर इवेंचुअली वो सॉफ्ट हो ही जाती है टुवर्ड्स द एंड। बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे डायरेक्टर है जीशान सर, वो तो एक इंसाइक्लोपीडिया है कॉमेडी के। मैं तो रोज़ कहती थी ही कैन राइट वन कॉमेडी बुक और कॉमेडी स्क्रिप्ट एवरी डे। अगर उनको चिल्लाना भी है किसी के ऊपर, वो चिल्लाते वक्त भी कुछ जोक क्रैक करेंगे। आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक ही इज टैलेंटेड टू अ होल न्यू लेवल इन द कॉमेडी एस्पेक्ट। कुछ भी जो भी निकलता है उनके मुँह से, अगर वो पानी भी मंगा रहे वो भी कुछ फनी तरीके में बोलेंगे। तो This shoot has been so much fun. I have like gone mad laughing. और मेरे दो co-actors भी हैं, हमारे बीच कुछ ऐसा competition ऐसा कुछ नहीं था जो usually experience होता है, you know. We had so much fun with each other also. So it was a true name comedy. I have had so much comedy on set and off set in this project for sure. Okay, so you're talking about your acting career. How getting into acting? How? तो जब से मैं आई थिंक 7 साल की थी आई गेस, जो हमारे स्कूल में समर वेकेशंस होते थे तभी पापा के वोल्टोज होते थे, तो जो हम अब्रॉड जाते थे और ये एक्टर्स ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में शोज़ करते थे, बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स दे वुड डांस एंड वुड बी हाउसफुल शोज। आई रिमेंबर ऋतिक, ऐश्वर्या, शाहरुख, सलमान, ऑल दीज पीपल। तो हम लोग ऑडियंस में बैठ के आई यूज़ टू जस्ट लाइक वॉच देम विद स्टारी आइड, एंड आई हैव ऑलवेज लव बॉलीवुड। बचपन से डांसिंग बॉलीवुड वो सब मुझे बहुत पसंद था, एंड आई थिंक तब से वो बग आ गया था कि आई थिंक मुझे यही करना है। एंड मैंने डांस क्लास शुरू किया, मैंने एक्टिंग क्लास, वो बेसिकली वही डायरेक्शन में चलती गई, एंड देन स्कूल और कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने परस्यू करना शुरू कर लिया था। हाँ, तो आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म डिन डू वेल, फिर जैसे रोल्स मैं चाह रही थी वैसे मिल नहीं रहा था, बट देन भाग जॉनी हैपन। भाग जॉनी पे भी मेरा बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, पर वो भी मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं था। तो वो दूसरी फिल्म के बाद तो और भी मुश्किल हो गई थी टू गेट द रोल्स आई वॉन्टेड टू प्ले, एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग लीड रोल्स, गुड रोल्स, रोल्स दैट हैव डेप्थ। So after Bhagjani I didn't get that, so I was not very happy, so I started doing theatre. मैंने मतलब I just distanced myself, सोचा चलो रुक जाती हूँ थोड़ा अपने आप पर मेहनत करती हूँ, you know, something like that. तो 2 साल वो किया, और फिर उसके बाद फिर कैमरा की याद आ रही थी कि अरे I want to go back in front of the camera, and that's when the web series whole process started, which I'm so grateful for, because जो roles मुझे web series में मिल रही थी like nice lead good meaty roles, वो films में नहीं मिल रही थी तब। तो
तो जैसे कि आपने कहा यू नो कि थिएटर ज्वाइन किया मैंने कि चलो मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश कर लूँ या फिर जो भी है, तो लगा कि थिएटर वर्क किया आपके लिए? हाँ हाँ ज़रूर। आई थिंक मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ। सलीम आरिफ करके एक डायरेक्टर हैं जो गुलजार साहब की कहानियाँ स्टेज पर करते हैं, पृथ्वी थिएटर NCPA, और मैंने उनके साथ एटलीस्ट 6 to 7 प्लेज किया होगा स्टेज पे, और जो गुलजार साहब ने लिखी हैं। तो आई थिंक दैट हेल्प मी सो मच, बिकॉज जब मैं कैमरा के सामने वापस आई भाग जाने के बाद, तो मुझे फ़र्क महसूस हुआ। हालांकि अलग होता है, बहुत ही अलग होता है द मीडियम्स, बट इट डेफिनेटली हेल्प समवेयर डाउन, लाइक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस वाइज। टॉकिंग अबाउट भूतपूर्व, आपसे जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली भूत को तो आपसे प्यार होता ही है, लेकिन क्या आपको भूत से प्यार होने वाला वो आपको देखना पड़ेगा अंकल। है? ओके, इसके अलावा बॉन्ड किसके साथ स्ट्रांग रहा आपके कास्ट की बात करें तो, ओ कास्ट माय कास्ट गॉड, के? आई लाइक मैं बाहर भी बोल रही थी कि मुझे ना इतना प्यार फील होता है दोनों के लिए कि जब मैं मॉनिटर पे बैठ के उन दोनों की सीन्स देखती हूँ, जैसे माँ का प्यार होता है ना, जैसे फील होता है दिल में, वो सो क्यूट सो क्यूट, मैं फुल टाइम सो क्यूट करती रहती हूँ। आई थिंक आई हैव इक्वल इक्वल कनेक्शन विद द बोथ ऑफ देम, इक्वल रिलेशनशिप। एंड ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि हम इतने क्लोज हो गए। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम है तीन तरफा प्यार, बिकॉज इट्स लाइक इक्वल प्यार फॉर लाइक ऑल थ्री ऑफ अस। और सेट पे भी जब वैन्स हमारी एक साथ होती थी, हम धमाल करते थे, मस्ती करते, बट इट्स इक्वल फ्रेंडशिप विद लाइक ऑल थ्री ऑफ अस। चलिए, जाते जाते कोई एक ऐसी मेमोरी जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगी, शेयर कर दें हमारे साथ? ये सेट से आई सेट थिंक ये सेट से मैं जीशान सर को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जैसे वो, जैसे मैं कह रही थी, जो मेरे डायरेक्टर हैं, उनके जोक्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इतने सारे हैं, तो आई डोंट थिंक मैं जीशान ऐसे डायरेक्टर को कभी भूल सकती हूँ, क्योंकि वो हमें हमेशा रोज़ 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 हंसाते रहते थे, हंसाते रहते ओके, तो बता दीजिए ऑडियंसेस को कब से और ओके सो ओमकार फर्स्ट स्क्रीनिंग क्या है, एग्जैक्टली फीलिंग, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या है? गुदगुदी है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, अंदर उबल उबल के फट रहा है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करेगा, आप लोग देखेंगे स्क्रीनिंग, बताइएगा कैसी लगा, क्योंकि कुछ एपिसोड्स हम दिखा पा रहे हैं आज, बट आई थिंक शो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि होलसम फैमिली एंटरटेनर है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। हॉरर कॉमेडी है, रोमांस भी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है, चेज भी है, तो हमने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी मैं बहुत नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, आई एम श्योर बहुत लोगों की फैमिलीज आई हुई है, और आप भी अपनी फैमिलीज को लेके ज़रूर देखिएगा 7 मई को Zee5 OTT प्लेटफॉर्म पर। जी, बहुत सारी है एक्चुअली, हमने अभी मेमोरीज अभी हमारी फॉर्म बस हुई है, और हम होप कर रहे हैं कि सीज़न 2 भी बहुत जल्दी शुरू हो, बिकॉज हम सब बहुत अच्छी एक परिवार सा बन गया है। हम लोग रोज़ अपना, हमारे दिन के सारे टाइम पे सारा खाना हम साथ में खाते थे, एक परिवार की तरह, एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शो में, तो बहुत सारी कास्ट, हम सब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, सो बहुत मज़ा आया। जी, अरे कोई दिन नहीं होता है मदर्स डे सेलिब्रेट करने का, रोज़ मदर्स डे होता है, रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि रोज़ आप अपनी मदर से भी मिलते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलते हो, तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं होता। बट मेरे लिए तो सबसे स्पेशल बात है कि मम्मी आज आई हुई है, तो आज स्क्रीनिंग देखेंगी, तो दैट्स माई मदर्स डे। मदर्स डे विश, आई थिंक ऑल यू पीपल आउट देयर, अपनी मम्मी को खुश रखिए, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली उन्होंने रखिए, एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। पोस्टर के सामने खड़े हो तो पोस्टर क्या दिखेगा? मैं उसमें हॉरर भी हूँ और कॉमेडी भी, मेरा कैरेक्टर है थोड़ा हॉरर, बेटे को बड़ा हॉरर दिलाता है, बिकॉज मैं ऐसी माँ हूँ जिसके अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और जो हम करते हैं और जो आप एपिसोड्स में देखेंगे उस पर आपको पता चलेगा कितनी कॉमेडी है। हर एक जो किरदार है, मैं जिशान गांधी जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, उनकी तो मैं जब आई बिकेम अ फैन ऑफ दिस, तो पहले बहुत अच्छे लिखे, पर ये पढ़ने के बाद क्योंकि उन्होंने जो एक एक किरदार लिखा है, ईच विल स्टैंड आउट, और मैं ये ऑडियंस से कहूँगी दावे के साथ कि हमारे हमारे कैरेक्टर्स की जितनी भी वन लाइनर्स हैं आप सब रिपीट करेंगे उसे, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। ओके, सो सर, आप खास रहा, जो आपको मजबूर कर दिया
ये बोल्ड और ये आइडिया ब्रेक करना चाहती थी कि टेलीविजन एक्टर, वेब सीरीज एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर, आज मैं ये सब आपके माध्यम से सबको गुजारिश करना चाहूँगी, हम एक्टर्स हैं, हम कलाकार हैं, हम हर माध्यम में फिट हो जाते हैं, किरदार हमारे ऊपर सूट करना चाहिए, हम किरदार के लिए सूट करना चाहिए। तो जब ये पहला वेब सीरीज है, मेरा पहला वेब सीरीज है आप लोगों के सामने, तो जब मेरे पास आया तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। और जैसे कि मैंने कहा, जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और जब मैंने पढ़ी उसके बारे में, तो मुझे बड़ी क्लीन, प्यारी, अच्छी सी कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, आपको मज़ा आएगा इसे देखकर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में एकदम भाग पड़ना मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत अच्छा रहा, मुझे लगता था आराम से काम होगा, ऐसे काम होगा, लेकिन शिवपुरी में बहुत गर्मी थी और लोग ऐसे वक्त पर गए जब मम्मी जयती जी जल्दी करते हैं, हम लोग अंदर जाना है। हम लोग देख, ये था कि मैंने क्या कर दिया, देख कोई बात नहीं, डिस्ट्रक्टिव लेडी, तो वो क्या बोलते हैं, तो इसीलिए बहुत मतलब तकलीफ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत था और वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, और हमारे डायरेक्टर, हमारे यूनिट, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, आई रियली फील पिटी फॉर ओमकार एंड ऋषभ, की उन्होंने तो बहुत मेहनत की, वो तो हर सीन में थे, हमको तो फिर भी आराम मिल जाता था, तो इसीलिए बहुत मज़े से काम हुआ, अच्छा काम हुआ। आप देखें, मेरे फेवरेट ओमकार और ऋषभ है, मुझे बहुत मज़ा आया, और मनु ऋषभ मेरे हस्बैंड बने हैं, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, वी आर क्लासमेट्स, सो हम तब से जानते थे, इतने सालों बाद एक प्रोजेक्ट में साथ कर काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी जितने भी मैंने देखे हैं किरदार और जो भी मैंने पढ़ा उनके बारे में समझा, दे हैव डन अ फैबुलस वर्क। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ, मैं एक मदर का रोल कर रही हूँ इसमें, और हर माँ के अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ऐसा कहते हैं जो आप हर बार सुना होगा आपने, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं मिल सकते, इसलिए बनाई माँ। और मैं कहूँगी कि आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरी माँ ने मुझे इस मौके तक, यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की है। आई एम ऑल बिकॉज ऑफ मदर। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। फीलिंग ऐसा है कि मुझे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जाने नहीं दे रहे, यही फीलिंग है। लेकिन सीरीज के बारे में बता दीजिए। सो बेसिकली हमारा शो का नाम है भूतपूर्वा, मेरे कैरेक्टर का नाम है आरव, आई एम ऑल्सो प्लेइंग द भूत। इट्स अ फन लविंग हॉरर स्लैश रोमांस स्लैश कॉमेडी, ये बहुत बड़ा वाला स्लैश है। आइडियली आप लोग को देख के खुशी भी होनी चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए, हमने मेहनत की है इसी बात के लिए। एंड yeah, that's what. You know, finally, अब जब स्क्रीनिंग हो रही है तो you know, view, reviews मिलेंगे, yeah. तो उसकी क्या feeling है exactly? उसके 5 मिनट पहले मैं घर जाता हूँ, यूजुअली खत्म होने वाला ना शो, आउट, इतनी तारीफ मैं झेल नहीं सकता, तो ऐसा है। आज फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके लिए स्क्रीनिंग रखी गई है, तो आपके साइड से फ्रेंड्स फैमिली मॉम डैड को मैं यूजुअली अपने साथ घर में दिखाऊंगा, दैट इज़ व्हाट द प्लान वाज। मेरे फ्रेंड्स आए, मैं ऐसे बेसिकली ट्राई ये करता हूँ कि आई कॉल द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑफ माय लाइफ, सो दैट इट जेन्युइनली गिव मी ट्रू रिव्यूज़, क्रिटिसिज्म, वट एवर, अच्छा बुरा सब। तो आए हुए अब बहुत लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। उसके अलावा यू नो पूरी कास्ट आज मौजूद होगी स्क्रीनिंग पर, तो कितने सारे मेमोरीज रिकलेक्ट किए, सारे अभी शो भी देखेंगे साथ में, सोचो ना। मैं यही कहूँगा कि 7th ऑफ मे भूतपूरा रिलीजेज ऑन Z5, गो अहेड, डाउनलोड द ऐप एंड वॉच द शो। मैं इसमें काम भी किया है। ओके, सो आई हैव डन द कैमियो इन दिस भूतपूरा, और डबल रोल है मेरा, जड़वे भाई है, तो एक तांत्रिक है ओम चमुंडाए नमः ऐसे करके, और एक साइंटिस्ट है जो एसेंट्रिक है, 12 साल से कमरे से बाहर नहीं निकला है, तो इट्स क्वाइट अ You know, the funny part, like, 2 episodes ka hai. I had a blast in this. Screening hai toh kya hai? Excitement hai, nervousness hai? Nahi, nervousness toh kuch nahi hai. Excitement hi hai. Because Zeeshan aur Deepak, jinhon ne banaya, they are very close to me. They are like my brothers. So I'm very happy for them. And jitna bhi humne shoot kiya hai, jitna bhi maine shoot kiya hai, I can guarantee ki it's gonna be like a laugh riot. आउट एंड आउट हंसी आती रहेगी,
इवन जो यमराज है आपने देखा ही होगा यमराज जी, तो मतलब एवरीथिंग इज लाइक फन, तो डर कहीं से नहीं लगेगा। हाँ सेट पे ये था कि जब आउटडोर में थे हम शिवपुरी में तो बहुत मस्ती करी एंड वी यूज टू शूट लाइक टिल 6:30 इन द इवनिंग, तो उसके बाद सब फ्री टाइम रहता था, तो गुड कंपनी गुड पीपल अराउंड, बहुत मजा आया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल मतलब 7th में ये आने वाला स्ट्रीम करेगा ऑन Z5, प्लीज डू वॉच इट, यू गॉट टू एंजॉय, लाफ अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या एक्सक्यूज मी सर,